और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे कि समाजवाद के समर्थन की बात हो रही थी, तो समर्थन से आधारित जो टॉपिक थे वो मैंने ये बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समाजवाद का आलोचना से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, जाना समाजवाद की आलोचना। आलोचना में आपको देखना है कि कितने प्रकार किन किन आधारों पर यह समाजवादिता की आलोचना की गई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के लिए समाजवाद एक सुंदर मार्ग प्रस्तुत करता है। कैसा? सुंदर मार्ग प्रस्तुत करता है। और समाजवाद में व्यक्तिवाद की उपेक्षा सामाजिक हित को उच्चतर स्थान प्रदान कर एक प्रशंसनीय कार्य किया है। कैसा कार्य किया? प्रशंसनीय कार्य किया है। और इस व्यवस्था की प्रमुख रूप से निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। वो है जो आधार है, नंबर एक में सभी लोग लिखेंगे, उत्पादन क्षमता में कमी। उत्पादन क्षमता में कमी नंबर एक। नंबर दो, उत्पादन क्षमता में कमी के बाद नेक्स्ट है नौकरशाही का विकास। नौकरशाही का विकास, राज्य की कुशलता में कमी नेक्स्ट है, राज्य की कुशलता में कमी, राज्य की कुशलता में कमी, मनुष्य का नैतिक पतन नेक्स्ट है, मनुष्य का नैतिक पतन, मनुष्य का नैतिक पतन नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का आरंभ नेक्स्ट है, व्यक्ति वादी स्वतंत्रता का अंत, स्वतंत्रता का अंत। इसके बाद है समाजवादी व्यवस्था का अपव्यय होगी, अपव्यय होगी समाजवादी व्यवस्था अपव्यय होगी। देखो समाजवादी व्यवस्था अपव्यय होगी, अपव्यय होगी। समाजवाद एक प्रकार की व्यवस्थित लूट है। समाजवाद एक प्रकार की
यह आकाश सूचक न्यून है। समाजवाद एक प्रकार की व्यवस्था लूट है। हमें ध्यान देना है कि इसमें आप समाजवाद की आलोचना से आलोचना जिन आधारों पर की गई उन आधारों पर देखा जा रहा है कि उत्पादन क्षमता में कमी, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण समाजवाद की आलोचना है। दूसरी नौकरशाही का विकास, राज्य की कुशलता में कमी, मनुष्य का नैतिक पतन और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत, समाजवादी व्यवस्था या फिर व्यवस्था अपव्यय होगी। समाजवाद एक प्रकार की व्यवस्थित लूट है, ऐसा कह सकते हैं। ये सब आलोचनात्मक आपका समाजवाद के आलोचना के आधार माने गए हुए हैं। इस बाकी का आपको इतने कम्प्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको इससे आगे का टॉपिक बता दिया।